हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल चैनल में स्वागत है। दोस्तों, लॉकडाउन के चलते हुए कुछ लोग हैं जो कि अपने अपने घरों से काफ़ी दूर दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं और वो अपने अपने घरों में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना अनिवार्य किया हुआ है। ये फॉर्म फिल करने के लिए हमें गूगल पर जा रहे हैं। गूगल पर जाके हमने सर्च करना है कर्फ्यू पास लुधियाना करके। मैं सर्च कर रहा हूँ क्योंकि मैं लुधियाना से हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक विंडो ओपन हुई है डिस्ट्रिक्ट लुधियाना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नाम से, तो इस पर हम क्लिक कर रहे हैं। जैसे कि अब एक नया इंटरफेस आपके सामने आया है, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि जो ग्रीन कलर पे मेंशन किया हुआ है लुधियाना रेजिडेंट स्टक अब्रॉड करके लिखा हुआ है, तो हमने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक हमसे कैंसिल और ओके का पूछा है, तो हमें लिंक पे जाने के लिए ओके करना है। अब लिंक ओपन हो रहा है, तो आप देख सकते हैं जैसे लिंक ओपन हो गया तो लिखा हुआ है कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा हो, तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। जो लोग पंजाब से अपने गृह मूल राज्य जाना चाहते हैं, कृपया नीचे दिए गए बटन को दबाएं और ज़रूरी जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो आप इस लिंक पे आप क्लिक हम करते हैं। अब जैसे कि लिखा हो फिल अप रजिस्ट्रेशन फ्रॉम टू गो फ्रॉम पंजाब, तो इसमें हम लिख रहे हैं, मैंने एंटर किया है तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो गया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, इसमें आपने अपना जो भी है रजिस्ट्रेशन के लिए इन्फॉर्मेशन पूरी सही जानकारी देनी है, जिससे कि आप अपने शहर गांव कस्बे में आसानी से जा सकें। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है, आप पंजाब के कौन से ज़िले में रहते हैं। मान लो आप पंजाब के कौन से ज़िले में रहते हो, तो उसका आपने इसमें डिटेल देनी है। मैं लुधियाना से हूँ तो मैं लुधियाना भर रहा हूँ। उसके बाद आपका नियत जो भी शहर होगा उसका एक थाना होगा जो कि पुलिस चौकी जिसे कहते हैं, तो आपने सेलेक्ट करने कि आपका पुलिस चौकी एरिया कौन सा है, तो वहाँ पे उसको आप पर्टिकुलर आपने भरना है। जैसे कि मैं भरता हूँ जोधेवाल। तो उसके बाद पूछ रहा तीसरे ऑप्शन पे, आप कौन से राज्य में जाना चाहते हैं। आप जैसे आप पंजाब में हैं और पंजाब से कौन से राज्य में जाना चाहते हैं, यूपी बिहार महाराष्ट्र जहाँ पर भी। तो मान लो मैं उत्तर प्रदेश जाना चाहता हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश ही भरूँगा। ये उत्तर प्रदेश पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब चौथे ऑप्शन में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है आपके द्वारा चुने गए राज्य के कौन से ज़िले में जाना चाहते हैं। मतलब आप अगर यूपी जा रहे हैं तो यूपी में कौन से ज़िले में जाना चाहते हैं, तो अब यूपी के मैं भर देता हूँ यहाँ पे यहाँ पे भर देता हूँ मैं पीलीभीत। तो पीलीभीत भरने पे क्लिक कर दिया मैंने। उसके बाद आप पाँचवें ऑप्शन पे जाके देख सकते हैं, लिखा हुआ है अपने गांव, शहर वार्ड कस्बा तहसील का नाम दर्ज कीजिए जहाँ आप जाना चाहते हो। मान लो मैं पंजाब में और मैं यूपी के शहर पीलीभीत जाना चाहता हूँ, तो वहाँ का आपको गाँव का नाम, शहर, कस्बा, वार्ड जो भी वहाँ चलता है वो आपको भरना पड़ेगा। कुछ भी है, मान लो मैं वहाँ पे किसी भी कस्बे में रहता हूँ तो वहाँ ये सब भरना पड़ेगा। मान लो मैं वहाँ साम सिटी है कोई, तो वहाँ मैं भर दिया, उसका पूरा डिटेल हमने भर देनी है, वार्ड नंबर जो भी है, वार्ड नंबर मान लो वहाँ 8 है, तो ऐसे अपने डिटेल। अब हम 6वें नंबर पे आते हैं, जहाँ पे हमें जहाँ पे जाना है वहाँ का पूरा पता हमें लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं मेरा मकान नंबर, वहाँ का जो भी है वो लिखेंगे, वहाँ क्या गली नंबर चलता है, या वहाँ पे जो भी वहाँ का पूरा पता होगा वो हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। इसके बाद हम सातवें नंबर पर चलते हैं। सातवें नंबर पे आप देख रहे हैं लिखा अपना अभी का पूरा पता दर्ज कीजिए जहाँ आप रह रहे हो। मान लो आप अभी पंजाब में हो और पंजाब से आपने यूपी जाना, तो आप जिस अभी जहाँ पे हो वहाँ का पता भरना है, जहाँ पे आप अभी हो फंसे हो जहाँ पे, तो वहाँ का आपने पता भरना है। जैसे मैं पंजाब में हूँ
तो पंजाब लुधियाना यहाँ का पूरा पता भरना, मकान नंबर जो भी है, गली नंबर जो भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ का सिटी क्या है वो भरता हूँ, अपना वार्ड नंबर भरता हूँ, तो जो भी है तो पूरा यहाँ पे एड्रेस भरना है कि। और उसके बाद आठवें नंबर पे आप देख रहे हैं अपना मोबाइल नंबर दर्ज करी, यहाँ आपने अपना वही नंबर दर्ज करना है जो कि आपका मोबाइल नंबर चल रहा है, जो आपके पास होता है, तो मैंने भर दिया नंबर। उसके बाद नौवें नंबर पे आप देख रहे हैं अपना नंबर आधार नंबर दर्ज कीजिए, इसमें आपने क्या करना है अपना आधार नंबर, मान लो आधार नंबर मेरा कुछ भी मैंने भर दिया ऐसे करके, ठीक है, अपने अपना आधार नंबर भरना है। उसके बाद आप दसवें नंबर पे देख सकते हैं, पूछ रहा है क्या आप जाने के लिए सरकारी परिवहन की सहायता चाहते हैं, या आप सरकार के द्वारा भेजी गई बसें या जो भी उनके ट्रेन चल रहे हैं उसके उससे जाना चाहते हैं, या आपके पास अपनी कोई साधन है जिससे आप जाना चाहते हैं। अगर अपना साधन है तो आपने नौ पे क्लिक करना है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से उनकी तरफ से भेजी गई रेल सेवा या तो बस से जाना चाहते हो तो आप यस पे क्लिक करेंगे, तो मैंने यस पे क्लिक कर दिया। अब ग्यारहवें नंबर पे पूछ रहा है कि आप कितने लोग आपके परिवार ग्रुप में जाना चाहते हैं, और इसमें हम हद से हद 25 लोग ही जा सकते हैं, जो मैक्सिमम लोग 25 जा सकते हैं, तो इस पे हम 5 लोग हैं तो 5 लोग का क्लिक कर दिया। और इसमें पूछ रहा है कि व्यक्ति का वितरण, तो इसमें आपने सबसे पहले अपनी डिटेल भरनी है, आपका नाम क्या है, जैसे राम है, आपकी उम्र क्या है, मान लो 28 साल है, आप आदमी हो मेल हो, ठीक है। तो उसके बाद पूछ रहा है वो व्यक्ति का वितरण आपके साथ जाने वाले जो आपके परिवार है, आपके ये रिश्तेदार हैं या भाई बहन हैं, तो आपने उसके बाद उनका नाम भरना है, जैसे उनका नाम किसी का है राजू है, उम्र उसकी 15 साल है, और जेंडर क्या है उसका, मतलब औरत है या मेल है, और उसके बाद उसका मोबाइल नंबर आपने भर देना है, जो भी उसका मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर भी सही भरना है, और आधार नंबर भरना है जो भी उसका आधार नंबर सही है, ठीक है। उसके बाद आपने अगर और भी जोड़ने तो ऐड डिटेल पे करेंगे तो और भी ऑप्शन खुल जाएंगे, जितने आप मेंबर होंगे उतने बाद ऐड करेंगे तो उतने बाद फॉर्म खुल जाएगा और उतने मेंबर की डिटेल आप भर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे जाएंगे तो देखेंगे कैप्चा है V7, तो इसमें हमने कैप्चा भरना है V7 A U और J। आप देख सकते हैं रेड कलर में लाल रंग में कुछ लिखा हुआ है, एक मोबाइल नंबर एक व्यक्ति ग्रुप परिवार के लिए उपयोग होने वाला, दोबारा किसी के विवरण के लिए उपयोग नहीं जा सकता। आपका मोबाइल नंबर 1 से 25 व्यक्तियों के लिए एक पहचान आईडी होगा, तो इसलिए इसे कृपया याद रखें। तो मतलब उनका कहने का है कि अगर आप एक बार में अपने एक मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उसी से फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, और मोबाइल नंबर आपको याद रखना है, आपके सभी सदस्य जितने लोग जा रहे हैं सबको याद रखना है। तो उस पर आप जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, नीचे लिखा हुआ जैसे सबमिट, तो सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज आएगा आपके मोबाइल पे, और मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट ही आप तक पहुंचेगी, आपको जब भी आपकी बारी आएगी रजिस्ट्रेशन के बाद जाने की, तो उस पे ही आपको कॉल या मैसेज आएगा और आपने उसकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपने आगे जाना है। तो आप दोस्तों, आप सबको मेरी वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी वीडियो ये आगे से ज़्यादा शेयर करें, जो कि लोग आपके यार दोस्त रिश्तेदार जो कि दूसरे शहर में फंसे हुए हैं और अपने शहर जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी लाभदायक होगा। तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।